सावित्री राजश्री अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उन्होंने निर्वासित और वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल एक वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणी, धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गईं। आते ही उन्होंने सारे वेशभूषाओं को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वल्कल के वस्त्र पहनते थे वैसे ही पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री चिंतित हो रही है। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वो कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंग वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उन्होंने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बल पूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा, हे देव, आप कौन है और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे ले जा रहा हूँ। तुम्हारी सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, ये सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उनकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज दिया और उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वो लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? मैं पति के बिना स्वर्ग, सुख और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति मैं जीना भी नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज को सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अंत में पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। ये सत्यनारायण भगवान जी की